गुड मॉर्निंग गाइस। तो यहाँ पर हम लोग एक सी का पोजीशन बना चुके हैं, मतलब आप लोग हम लोग कॉल साइड में एक पोजीशन बनाया है। तो ये है फिन निफ्टी का 19,450 का कॉल का ऑप्शन चार्ट। तो अभी देख सकते हैं उसका भाव 112 में है और मेरा एंट्री था 108 का आसपास। जैसे इस कैंडल को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है, मतलब 102 पे ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया है, उसके बाद में जो कैंडल बना जो बुलिश कैंडल बना है उसके बाद में हमारा एंट्री हो गया है। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट आज ऊपर ही जाने वाला है। तो हम लोग का भी प्रॉफिट चल रहा है 254 का आसपास, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग का चार्ट अभी क्या बोलता है। 112 में है अभी, देखते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पर हमारा पोजीशन में 326 ऐसा 354 का आसपास प्रॉफिट चल रहा है। प्रॉफिट को मत देखिए, चार्ट में देखिए क्या हो रहा है। उसके हिसाब से मार्केट में ट्रेड कीजिए। प्रॉफिट तो आपका आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन आप लर्निंग पे फोकस कीजिए। कैसे मार्केट काम करता है वही देखिए, पहले कहाँ पर जाएगा। तो ये जो आप बराबर कैंडल देख रहे हैं, एक और कुछ नहीं, ये स्टॉप लॉस का कैंडल है। यहाँ पर मार्केट जैसे ही इस कैंडल का फॉर्म किया उसके बाद सब लोग सेलिंग में चला गया। तो चलिए देखते हैं हम लोग का क्या प्रॉफिट चल रहा है 370 के आसपास। ओके, वेरी गुड प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम लोग का टारगेट का आसपास है, लेट्स सी। हम लोग का टारगेट हिट होता है और स्टॉप लॉस हिट होता है। 117 पे हम लोग का टारगेट है। और हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, टारगेट अचीव देख सकते हैं। 436 का प्रॉफिट हुआ है, 10% हम लोग का जो इन्वेस्ट किया था उसका 10% मिल चुका है हम लोग का। डन फॉर द डे गाइस। तो चलिए देख लेते हैं चार्ट। जितना टारगेट रखा है, ज़्यादा आपको मार्केट में ग्रीडी होना अच्छा नहीं है, ठीक है। एक प्रॉपर टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ आप लोग मार्केट में काम कीजिए विद डिसिप्लिन, आपको ज़रूर उसका फल मिलेगा। डिसिप्लिन होना चाहिए। आज ये कर दिया, कल वो स्ट्रेटजी अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं चलता मार्केट में। ऑप्शन बायर को मोमेंटम के लिए वेट करना पड़ता है, कब मोमेंटम मिलेगा। अभी देखते हैं क्या होता है कि ऑप्शन में आप लोग जितना होल्ड करेंगे उतना आप लोग का टाइम लिखा होगा। आप लोग ट्राई कीजिए कि अभी देख सकते हैं फिर से 112 में आ चुका है, मतलब जैसे ही व्यू आउट क्रॉस किया लोगों का एंट्री हुआ है, उसके बाद में रिचार्ज हो गए। क्योंकि ये जगह में जाके बार बार सेलर एक्टिव हो रहा है, तो हो सकता है फिर से सेलर एक्टिव होगा, सेलर इसको यहाँ तक लेकर आएगा 108 पे। तो अगर मार्केट को ऊपर चलाएँ तो यहाँ पर टाइम भी था कि बाद में 117 क्रॉस करेगा तो बहुत अच्छा आप लोगों को टारगेट मिल सकते हैं। 139 ऐसा टारगेट मिल सकते हैं आज के दिन में, ठीक है। मेरा फर्स्ट टारगेट वही रहेगा। और मार्केट अगर नीचे की तरफ गिरता है, यहाँ पर बार बार सपोर्ट दिया है मार्केट ने 96 का, तो फिर मार्केट 70 तक आ सकता है। और ये ऑप्शन का चार्ट है, तो मैंने अब लोग ऑप्शन का चार्ट दिखाया है। इंडेक्स में दिखाएगा तो दूसरा कुछ होगा, ठीक है। अभी देख सकते हैं कैसे भाव नीचे आ रहा है। मैं आपको कुछ बुक नहीं करता तो अभी मेरा लॉस में चल रहा होता। अच्छा किया ना टारगेट, ऐसा टारगेट और प्रॉफिट को देखना चाहिए। बाप रे बाप, वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया है।
ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करो मेरा चैनल. फ्यूचर में और भी बहुत अच्छा अच्छा नॉलेज वीडियो लगाऊंगा, मैं भी अभी सीख रहा हूँ.